Hey guys, this is Zubran Saleh. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al-Safa Virtual Immigration Consultancy. आज के लिए बहुत ही छोटी सी थोड़ा सा बाहर पर मैंने पोर्चुगल की छोटी छोटी गलतियाँ बताने के लिए एक्चुअली हम आए हैं. ज़्यादातर पोर्चुगल ऐसे ही है. चाव पिटान उधर खबर रास्ते कर्व स्टोन इंटरलॉक्स ऐसे ही है एक्चुअली. अगर वो आर्किटेक्ट है वो ज़्यादातर कुछ ऐसी छोटी छोटे दरवाजे और बड़ा सा क्यूट सा अच्छा सा रंग बिरंगी येलो पिंक ब्राउन है इस टाइप का ही घर. बहुत कलरफुल एक्चुअली इस टाइप के घर लगते हैं. बहुत क्यूट है. बाहर से थोड़े से एंटीक लगेंगे पुराने जमाने के लगेंगे आपको वेंटेज लगेंगे. अंदर रहेगा बहुत अच्छा अच्छा फिट आउट हुआ है के पास अंदर बहुत अच्छी फिट आउट करके रखते हैं. आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे है कि अगर आप पोर्चुगल आ रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करना चाहिए. क्या आपको यहाँ पर जॉब मिलना चाहिए या फिर आपको बिजनेस शुरू करनी चाहिए. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियोस और आपको लगता है कि इसको आगे फैलाना चाहिए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. एंड इसी तरह हमारे सब्सक्राइबर बने रहेंगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए. ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर आएंगे फ्यूचर में. बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो बाहर का भी आपको नजारा बताए या अगर माहौल बताए या कि घर बताए तो हमने बहुत कुछ सोच कर रखा है. तो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड कंटिन्यू करते रहिए आज के टॉपिक के साथ. और आप सोच रहे होंगे हम इतनी ज़्यादा पुरसुकून जगह पर ठहरे हुए हैं. ऐसे ही आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे. अभी राइट नाउ हम अल-फ़ैदा के ऐसी बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट होते हैं इस एरिए में. बहुत खूबसूरत इलाका है ये. बहुत ही अमेजिंग रास्ता है. बेस्ट वॉक करने के लिए बहुत अच्छा एरिया है. बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं. तो बस हम चलते चलते सोच रहे थे यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाते हैं साथ ही साथ. जी बिल्कुल. थोड़ी सी आप देखे होंगे वेदर यहाँ पर चेंज हो गया है. थोड़ी सी सर्दी हो गई है. बारिशें शुरू हो गई है एक्चुअली यहाँ पर. एक बार लेट ही हुई है मेरे हिसाब से. तो बारिश शुरू हो जानी चाहिए थी लास्ट मंथ से ही लेकिन अलहमदिल्ला देर आया. लेकिन दोस्त है अल्लाह तला की रहमत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है अलहमदिल्ला. हम सभी इंसानों के ऊपर बहमत शुरू हो गई है. आज हम दो सब्जेक्ट्स पे एक्चुअली ये वीडियो कवर करने वाले हैं. एक सब्जेक्ट ये है कि आपको यहाँ पे जॉब कैसे मिलेगी, जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ये एक चीज़ है. और दूसरी चीज़ बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहिए, किस टाइप का बिजनेस हो और कहाँ पे शुरू करना चाहिए, कितना आपका बजट होना चाहिए, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. तो स्टार्ट द बिजनेस है. तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्चुगल में जॉब का क्या स्टेटस है और यहाँ पर जॉब मिलना क्या आसान है क्या मुश्किल है. तो सबसे सीधी सीधी बात यह है अगर आप यहाँ पर नए आए हैं और आप दिमाग में अपने बनाकर आए हैं कि आपको स्ट्रगल करना है, यहाँ के पेपर्स हासिल करना है और कुछ भी करके कहीं से भी घुस के आपको कुछ भी जॉब करनी है, अगर उन लोग के लिए जॉब यहाँ पर मिल सकती है. लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं नवाब बैठा रहूँगा, कोई अच्छे से ऑफर का इंतजार करूँगा और किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मेरे तक खुद आएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर जॉब बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं. छोटे छोटे जॉब्स होते हैं जो आपको जैसे वेटर स्किल या क्लीनर स्किल या ऐसी वाले जॉब्स आपको फिर भी मिल सकते हैं. लेकिन हाईली स्किल जॉब्स आपको पहले से अपनी कंट्री से बैठ के वहीं से आपको यहाँ पर ढूंढनी पड़ेंगी. यहाँ पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बिना TRC के जॉब मिलना. वंस आपको आपकी TRC मिल जाती है आपको यहाँ की लैंग्वेज आ जाती है. लैंग्वेज क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. तो आपको अगर पोर्चुगीज लैंग्वेज बहुत अच्छी बात करने आती है, आपके पास TRC नहीं है, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब के. तो जॉब मिलना देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है. तो अगर आप कुछ स्पीड की अगर कोशिश करते हुए जॉब ढूंढने की तो बहुत ज़्यादा चांसेस है. बिल्कुल. हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा मशक्कत और अपनी तरफ से कोशिश करता है टू गेट द जॉब. जॉब्स कैटेगरी जो लोअर वाली कैटेगरीज हैं वो जॉब्स हैं एग्रीकल्चर वगैरह में और रेस्टोरेंट्स वगैरह में, कैफेज वगैरह में, क्लीनर्स का है, या फिर अगर आपको पकवान आता है, इफ़ यू आर अ शेफ, जॉब्स हैं आपके लिए. इंडियन पाकिस्तानी शेफ्स अगर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माशाल्लाह इंडियन पाकिस्तानी ने पाली देसी अपने बंगाली रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे शेफ्स की डेफिनेटली ज़रूरत होती है और ये जॉब डेफिनेटली एनी टाइम अवेलेबल है. दूसरा जो डिलीवरी वाला जो था यहाँ पे, अभी थोड़ा सा निज़ाम और लॉ थोड़ा सा चेंज हो गया. जिसके पास सिर्फ TRC है उनको ही डिलीवरी का ID मिलता है. बोल्ट एक चीज़ थी, बोल्ट एक कंपनी थी जहाँ पे आप फ्लीट ज्वाइन कर सकते हैं. अब फ्लीट ज्वाइन करने के लिए आपको TRC की रिक्वायरमेंट है. पहले आप किसी का ID लेके भी जो है उनकी चलाते थे, अब उसके ऊपर हैवी फाइन्स इम्पोज कर दिया गया है. जिसकी ID है उसके ऊपर 3,000 यूरो का, और जो चला रहा है उनके ID पे गाड़ी डिलीवरी की
उसके ऊपर भी 3,000 का फाइन है। तो ये थोड़ा सा अभी सख्त हो गया है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज आ गए हैं, काफी बड़े बड़े, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 3,000 euros इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट। तो मेरे हिसाब से इस चीजों से बचना चाहिए। ग्लोवो की डेफिनेटली आज भी आप ग्लोवो की आईडी खोल सकते हैं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ लाइक अ इम्पॉसिबल जॉब टू डू एक्चुअली, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ग्लोवो की आईडी खोलने के लिए और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कहीं से 6-7-8 महीने लग जाते हैं आपकी ग्लोवो की आईडी खोलने के लिए। तो ये जो दो ऑप्शन थे उबर और बोल्ट, उबर थे TRC के बिना खुलता ही नहीं था, यहाँ पे बोल्ट यहाँ पे खुल जाता था, फील्ड में आप ज्वाइन कर लेते थे और उनकी कुछ परसेंटेज वगैरह आपको देते थे। अभी राइट नाउ वो बंद हो गया है, अभी चालू है, लेकिन TRC के बाद वंस यू गेट योर टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड देन ओनली यू कैन गेट दी बोल्ट आईडी। चलिए अब बात करते हैं कंपनी फॉर्मेशन की और एंटरप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर्स, जो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और जिसकी एग्जिस्टिंग कंपनी है या फिर एक नई कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अभी मैं ज़्यादातर इंकरेज करता हूँ वही लोगों को जो कुछ सेविंग के साथ और जिसके पास कोई बिजनेस प्लान है, जिसको बिजनेस करने आता है और जो कि एक्सपीरियंस है सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस करते हैं, मेरे हिसाब से पोर्चुगल वो लोगों के लिए है अभी राइट नाउ, क्योंकि छोटे मोटे तो है, ठीक है छोटे मोटे काम की बात तो हमने कर दी है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे लोग हैं हमारे इंडियन पाकिस्तानी माशाल्लाह काफी बिजनेस मैन होते हैं ये लोग, और मेरे हिसाब से बहुत ही कम खर्चे में यहाँ पे पोर्चुगल में कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो होती है उन सबसे सस्ते में और बहुत ही कम टैक्स में आपकी यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है। खर्चा बहुत ही कम है कंपनी स्टैब्लिश करने का, टैक्सेस बहुत ज्यादा कम है। तो 4 साल का एक साथ आप पेमेंट कर सकते हैं और बार बार आपको हर साल उसको रिन्यू करने की जरूरत नहीं होती है, और अमाउंट भी बहुत कम है। अगर आप हमारे पास आएंगे तो उसको हम ऑटो रिन्यू करके दे देंगे आपको 4 साल का, जब आप कंपनी फॉर्मेशन करेंगे। तो कुछ पैसे आपको डेफिनेटली साथ में लेके आना है, बिजनेस प्लान आपको साथ में लेके आना है, अच्छा बिजनेस प्लान। और यहाँ पे कई सारे कॉमन बिजनेसेस है, जैसे कि रेस्टोरेंट चलती है, कैफे चलती है, लॉन्ड्री चलती है, आर्टिलरी की चलती है, सैलून चलता है, आपका बुटीक चलती है, ग्रोसरी चलती है, ग्रोसरी वगैरह। ये बिजनेस के लिए थोड़ी सी आपकी जबान आना बहुत जरूरी है, तो एक लड़के को आप अपॉइंट कर सकते हैं इंडियन पाकिस्तानी हु स्पीक सम पोर्चुगीज, इसकी मिनिमम वेज सैलरी देखिए आपको 760 सैलरी उसकी देखे आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं कुछ महीनों के लिए, एक साल के लिए, जब तक आपकी पोर्चुगीज इंशाल्लाह ताला साफ ना हो तब तक आप ये चीज़ कर सकते हैं। बिजनेस का ही मैं एक्चुअली सबको इंकरेज करता हूँ बिजनेस के लिए, और क्योंकि खर्चा बहुत कम है और कंपनी फॉर्मेशन का भी खर्चा बहुत कम है, आके फाइल लॉक करें आर्टिकल 89 में, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बस यही लेके आना है, आपके PCC पासपोर्ट, आपका वीज़ा जो था, लीगल एंट्री दोनों के लिए भी, जॉब हो या नहीं हो, लेकिन डेफिनेटली आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कम्प्लीटली मीगर आ रहा है ये डंकी रह रहे जो रास्ते हैं उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बिजनेस शुरू करने के लिए। यस, एंड अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आप फिर भी आप 760 में सर्वाइव कर सकते हो। इमेजिन करिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ यहाँ पर आते हैं, 3-3, 4-4 बच्चों के साथ, और आप मिनिमम सैलरी के ऊपर अगर आप अपना घर चलाने का सोच रहे हैं तो दैट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। मेरे ऐसा लगता है कि 200 में ग्रोसरी हो जाती है, रेंट बहुत कम है, सब सस्ता है, लेकिन जब आप फैमिली के साथ आते हैं तो खर्चे खुद ब खुद दिन के बढ़ जाते हैं। एवरी डे आपको बहुत सारा सामान लाना होता है, घर चलाना होता है, बाहर घूमना है, जो भी है बहुत सारा आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है फैमिली के साथ। तो फैमिली के साथ अगर आप स्पेशली आ रहे हैं तो बिजनेस इज अ ग्रेट आइडिया, उसके लिए आप अपना दिमाग बनाकर आए, कुछ अच्छा बिजनेस करें यहाँ पर, ताकि आप अपनी फैमिली को भी सस्टेन करें, पेपर भी हासिल करें और एक सुकून की लाइफ यहाँ पर गुजारे। लेकिन अगर आप बैचलर है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप कोई छोटी मोटी जॉब करें, 760 में आप गुजारा हो सकता है, कोई हॉस्टल ले लें, खाना पीना हो सकता है आपका, फिर आप धीरे धीरे अपने पेपर हासिल कर सकते हैं, फिर आप आगे का सोच सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन फैमिली एंड बैचलर के लिए हमने सोचा कि आज की टॉपिक में ये बताएं आपको कि हमारे एक्सपीरियंस से, हमने जो यहाँ पर रहकर देखा है लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं, तो उससे हमने यही ऑब्जर्व किया है, और हमने यही सोचा है कि बैचलर यहाँ पर 760 में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन फैमिली 760 में इम्पॉसिबल है सर्वाइव करना। Absolutely. तो बिल्कुल आइए, और बस मैं बिल्कुल आइए, बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अच्छे हैं यहाँ पे, एक यूनिक बिजनेस प्लान लेके आइए, कुछ डिफरेंट करिए जो कि यहाँ पे कॉमन नहीं है, वो भी करने की कोशिश करिए थोड़ा सा, अगर आपको एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह बहुत बड़ा बिजनेस है आपका इंडिया पाकिस्तान में, दुबई सऊदी वगैरह में, तो व्हाई नॉट टेक अ रिस्क। हम बिजनेसमैन जो है रिस्क टेकर्स ही होते हैं, तो यू हैव टू टेक अ रिस्क, उस पर डेफिनेटली प्लानिंग करिए अच्छे तरीके से, आइए मार्केट देखिए, रिसर्च करिए, हमसे बात करिए,
एक चीज आपको बार बार हम कहेंगे, जो भी पेपर वर्क कर आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है पेपर वर्क के लिए हमारे पास आ रहा, हम ये इन्फॉर्मेशन जो है फ्री में देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देने के कोई चार्जेस नहीं लेते हम लोग, कंसल्टेंसी और काउंसिलिंग के भी चार्जेस नहीं लेते हैं। लेकिन एडवाइस हम ज्यादातर लोगों से ये करते हैं कि शॉर्टकट्स और ऐसे लोगों से बचे जो आपको फंसा सकते हैं, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और जो कि इनलीगल काम करते हैं, लीगल काम नहीं करते, बस उन लोगों से बचिए। 50, 60, 20, 100 का आप ये मत देखिए, आप देखिए कि लेजिट और सही कंपनी और लीगल तरीके से जो काम कर रहा है उनके पास जाइए, उनसे काम करवाइए। इंशाल्लाह हमारे पास आने के लिए मैं आपको बार बार इंकरेज नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे लिए, हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे, आप डेफिनेटली आके हमसे काम कर सकते हैं, हमारे से बात कर सकते हैं, हम आपकी काउंसलिंग और कंसल्टेंसी डेफिनेटली हम आपको देंगे। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करिए कि सही रास्ता और सीधा रास्ता पकड़े इंशाल्लाह ताला, क्योंकि रिस्क ले रहे हैं, बहुत ही बड़ा कदम आपने लिया है, तो इंशाल्लाह ताला आप सही स्टेप्स लें इंशाल्लाह ताला। ज़्यादा लंबी मैं नहीं करना चाह रहा हूँ ये को, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं हूँ जुबान सैयद।